ये नंदिकेश्वर का शिवलिंग है, क्योंकि काशी खंड में ज्ञानवापी से ठीक उत्तर नंदी नाम के गण का स्थान बताया है और उनके द्वारा स्थापित नंदिकेश्वर का वहाँ पर जिक्र है। निश्चित रूप से ये नंदिकेश्वर का ही शिवलिंग होना चाहिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, नंदी चूंकि बहुत सामर्थ्यशाली थे, भगवान शिव को स्वयं वो उठाते थे, तो इतने बड़े शिवलिंग की स्थापना मुझे लगता है नंदी ने ही जरूर की होगी। देखिए, वर्तमान जो मस्जिद है इसके वजूखाने में शिवलिंग मिला है, ऐसा हम लोग समाचार पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यमों से देख रहे हैं। और उसकी तस्वीर जो सामने आई है वो भी बिल्कुल शिवलिंग की ही तस्वीर है, इसमें कोई हम लोगों को संदेह नहीं लग रहा है किसी प्रकार का। लेकिन अब प्रश्न है कि ये शिवलिंग कौन सा है, तो इस शिवलिंग के बारे में दो तीन अनुमान हो सकते हैं। एक तो ये काशी विश्वेश्वर का पुराना जो शिवलिंग था वो भी हो सकता है, लेकिन इसको ऐसा मानने में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि ऐसा हम लोग सुनते हैं कि जो शिवलिंग था उसे लेकर के तो कोई पुजारी ज्ञानवापी में कूद गया था, और इतना बड़ा शिवलिंग नारायण भट्ट ने, चूँकि जहाँ मस्जिद है वहाँ नारायण भट्ट ने मंदिर बनवाया था, तो इतना बड़ा शिवलिंग काशी विश्वेश्वर का स्थापित किया हो ये मानने में भी थोड़ी कठिनाई आती है। दूसरी मान्यता ये हो सकती है या अनुमान हो सकता है कि ये जो शिवलिंग मिला है ये अभिमुक्तेश्वर का हो। वैसे जो तीसरी संभावना है, जो मुझे भी लगता है कि ज़्यादा उचित है, कि ये नंदिकेश्वर का शिवलिंग है, क्योंकि काशी खंड में ज्ञानवापी से ठीक उत्तर नंदी नाम के गण का स्थान बताया है और उनके द्वारा स्थापित नंदिकेश्वर का वहाँ पर जिक्र है। काशी खंड में ही नहीं, कृत्यकल्पतरु में भी नंदिकेश्वर का उल्लेख है कि यह ज्ञानवापी से, जो हमको अभी ज्ञानवापी दिख रही है विश्वनाथ कॉरिडोर के अंतर्गत जो बड़े नंदी हैं जिनकी स्थापना नेपाल नरेश ने की है, बड़े नंदी की, उनके ठीक बगल में ज्ञानवापी है और ज्ञानवापी से ठीक उत्तर ये शिवलिंग मिला है। इसलिए निश्चित रूप से नंदिकेश्वर का ही शिवलिंग होना चाहिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, नंदी चूंकि बहुत सामर्थ्यशाली थे, भगवान शिव को स्वयं वो उठाते थे, तो इतने बड़े शिवलिंग की स्थापना मुझे लगता है नंदी ने ही जरूर की होगी। आपको ये पूरा भरोसा है, क्या इसके कुछ साक्ष्य वगैरह भी अभी तक समझ में आए हैं? काशी खंड में जो श्लोक हैं वो श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान वाप्या उदक दिशि, ज्ञानवापी से उत्तर दिशा में नंदिकेश्वर का लिंग था। यही बात कृत्यकल्पतरु में भी कही गई है कि ज्ञानवापी से उत्तर में नंदी थे। तो इन दोनों ग्रंथों के आधार पर ही मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि ज्ञानवापी से उत्तर में इस समय कोई लिंग दिखाई नहीं देता है। हम लोग यदि कुबेरनाथ शुक्ल का अध्ययन करें तो उन्होंने भी लिखा है कि ज्ञानवापी से उत्तर में नंदिकेश्वर लुप्त, लेकिन वो लुप्त नहीं है, वो आज हम लोगों को मिल गए हैं, ऐसा मुझे लगता है।